पहले मिलती थी 2014 तक मिलती थी, और उसके बाद से जब बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से फिर ये बंद हो गया है। रेल मंत्री होश में हो, रेल मंत्री होश में हो, जीएम पावर लागू करो, जीओ पावर लागू करो, रेल मंत्री रेल मंत्री हाय हाय। नमस्कार, मैं भूपि दिल्ली और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां ये तमाम युवा देख रहे हैं कि आप ट्रेन में बैठने को लेकर जिस तरीके से धांधली होती है और लंबे समय से चलते आ रहे हैं ये तमाम जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार नहीं सुनती, उसी को लेकर ये फिर से एक बार जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ मांगों के साथ आप यहाँ पर आए हैं जंतर मंतर पर? जंतर मंतर पर हम इसलिए आए हैं, हमें कितने साल 10 साल से हमें ये मोदी की रणनीतियाँ से खेल रहे हैं, हमारे साथ हमारी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। हम तीन चार साल हम अपने वेस्ट कर चुके हैं, सारा माइंड इसमें ही दे चुके हैं। फिर अप्रेंटिस किया, आईटीआई किया, हमारा 3-4 साल वेस्ट हो चुका है। किस तरीके से आपके लाइफ के साथ खेला जा रहा है बताइए? हमारी लाइफ के साथ इस तरीके से खेला जा रहा है कि हमें अप्रेंटिस कराते हैं 7,000 में, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट देके घर घर बिठा देते हैं। अप्रेंटिस क्या है जरा विस्तार में समझाइएगा? अप्रेंटिस एक रेलवे में हमसे काम कराया जाता है, ये कह के कि आप आने वाले समय में नौकरी देंगे, हमें ये कह के कि आपको आने वाले समय में नौकरी देंगे ये कह के, और उसके बाद हमें कोई नौकरी नहीं दी जाती, हमसे काम दुगना काम कराया जाता है, उसके बाद हमें घर बिठा दिया जाता है। रेल अप्रेंटिस ऐसी है जो 2 साल की आईटीआई होती है, आईटीआई के बाद 1 साल की अप्रेंटिस होती है, अप्रेंटिस के बाद हमें एक नौकरी मिल जाती है जो जीएम के थ्रू मिल जाती है हमें, और जीएम के पावर खोली गई है जो सरकार ने मोदी जी ने ऐसे कर दिया, तो जो ठेके पे जो ठेकेदार हैं उनको मिल जाती है, और ठेके पे लगा रहे हैं बंदे तो हम क्या करें, 1 साल की ट्रेनिंग दे रही है मर्ज से तो हम क्या करें, अब घर बैठ जाएं। आपको मतलब अप्रेंटिस करवा के मतलब ये हवाला दिया जाता है कि नौकरी दी जाएगी रेलवे में, लेकिन दी नहीं जाती? बिल्कुल नहीं दी जाती, बिल्कुल नहीं दी जाती। पहले मिलती थी 2014 तक मिलती थी, और उसके बाद से जब बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से फिर ये बंद हो गया है। जीएम पावर के थ्रू फिर से हम लोग चाहते हैं कि वो मतलब नौकरी मिले। क्यों नहीं दी जाती नौकरियाँ? अब वो जीएम पावर को ही हटा दिया गया है ना, सामान सारा बाहर से आ रहा रेलवे का प्राइवेट के, जो ठेकेदारी करते हैं वो हमें इसीलिए काम नहीं दे रहे क्योंकि ठेकेदारी काम बढ़ गया है, जो हम 7,000 में काम करते हैं वो सरकारी मुलाजिम 80,000 या 90,000 वही काम कर लेता है, हमें पर हमें घर में बैठा देते हैं, सर्टिफिकेट देकर ना हम बाहर कर सकते हैं और ना हम फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। पूरी तरीके से जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बुरी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से खेला जा रहा है हमारे साथ, हमारे जज्बातों के साथ खेला जा रहा है, और हमें हम तो ये हमारी यही मांग है कि हमें नौकरी मिल जाए, इसलिए यहाँ पे आखिरी श्वास तक यहाँ पे धरना देंगे। हमारा धरना आज पहला दिन है, और पहले दिन में आप देख सकते हैं हमारे साथी कितने जो भी इकट्ठे हुए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं सब लोग? ऑल इंडिया से आए हुए हैं, कोई चेन्नई, बॉम्बे, बिहार, यूपी, पंजाब, सब जगह से आए हुए हैं, ऑल इंडिया से आए हैं। किस तरीके से जो है मतलब जब आपको नौकरी नहीं, किन वो लोगों को नौकरी मिल जाती है और आपको क्यों नहीं दी जाती? इस समय किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, सब लोग ऐसे ही बैठे हैं जो एक्ट अप्रेंटिस वाले हैं, किसी को नौकरी नहीं। फिर आप इस ट्रेनिंग के लिए जाते क्यों हैं जब नौकरी नहीं दी जाती? हमें नौकरी का दिलासा दिया जाता है कि आपको नौकरी दी जाएगी, उसके बाद हमें कोई नौकरी नहीं दी जा रही, दिलासा देने के बाद उसके बाद कोई नौकरी नहीं दी जा रही। नौकरी नहीं देनी तो अप्रेंटिस बंद ही कर देनी चाहिए। अप्रेंटिस क्या है, पहले पेपर होता था फिर अप्रेंटिस की सीट मिलती थी, अब तो उन्होंने तो मेला ही लगा दिया कि आओ जिसको भी अप्रेंटिस करनी है करो, क्योंकि उनका फायदा हो रहा है, एक एम्प्लॉय का दो जने काम कर रहे हैं, क्योंकि अप्रेंटिस काम कर रहे हैं वो, एम्प्लॉय इतना काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम ये बोलते हैं
कि आपके रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो भी है कि हमें नौकरी दी जाए तो हम अपनी शांतमयी ढंग से यहाँ पे धरना लगाएंगे। किस प्रकार की जो है नौकरियाँ वो देने का बात की जाती है? ग्रुप डी की नौकरी है तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि नौकरी मिल जाए। एक्ट अप्रेंटिस जिंदाबाद, एक्ट अप्रेंटिस जिंदाबाद, जीएम पावर लागू करो, जीएम पावर लागू करो, रेल मंत्री रेल मंत्री हाय हाय, रेल मंत्री होश में आओ, रेल मंत्री होश में आओ। ये जो है तमाम युवा है जो कि अलग अलग राज्यों से पूरे देश भर से आए हैं और जो रेल मंत्री हाय हाय का नारा लगा रहे हैं क्योंकि इनके भविष्य का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इनको वादे दिए जा रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं दी जा रही है। आप जो है रेल मंत्री से, क्या ये पहली बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम 10 साल से यही प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पर इस बार हम आखिरी श्वास तक लड़ने के लिए तैयार हैं। 24 में इलेक्शन आने वाले, अगर पहले पहले आपकी बातों को नहीं सुना जाता तो फिर क्या करेंगे? फिर तो साफ सी जहर सी बात है कि कोई मोदी को वोटिंग नहीं डालेगा, सबने अपने वोटर कार्ड जला दिए, वोट अपनी फाड़ कर कुएं में फेंक देंगे। और वोट देना आपका अधिकार है? नहीं देंगे वोट, वोट देने का अधिकार तो मानते हैं, मोदी साहब को नहीं देंगे। जब हम ऐसे ही फ्री रहना है तो क्या वोट किसको दे? हम बच्चे कहाँ से पालेंगे अपने, कहाँ जाएंगे हम? दूसरी पार्टियों से भी उम्मीद नहीं है, इसीलिए हमारे देखो कुछ ऐसे बंदे हैं जो हमारे अप्रेंटिस साथी है, कुछ कहीं वहाँ देख सकते हो आप, उन्होंने कहीं अपने आप को जला दिया। अगर नहीं मिलना है तो उन्होंने अपने आप को जला दिया, कोई हमारे साथी इतने देख सकते हो आप, वहाँ पे बैनर लगा हुआ है। क्या वोट देना तो आपका अधिकार है, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार जो है आपके हित में काम करने की वादे कर रहे हैं, उन पर भरोसा नहीं है? हमें अभी किसी पे नहीं है, इस बार अगर जीएम पावर लागू नहीं होगा तो फिर किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, कभी नहीं होगा। और जो भी दोस्त रिश्तेदार है वो लोग का मना भी करेंगे वोट देने के लिए। कांग्रेस की सरकार में जो थी ये भर्तियां होती थी, तो कांग्रेस की सरकार में होती थी, इसके बाद 2014 से जीएम पावर को हटा दिया गया, उसके बाद से फिर तो ट्रेनिंग के नाम पे बस काम करवाया जाता है और एक साल बाद फिर घर पे बिठा देते हैं। फिर इसके बाद अगर नहीं होता है तो कांग्रेस को तो वोट देना चाहिए ना, वो उन्होंने तो काम किया था। नहीं नहीं, उसके बाद से फिर जब से 2014 से जीएम पावर को हटा दिया गया, उसके बाद से भी 14 से तो बीजेपी की सरकार है। हाँ तो बीजेपी का सरकार है, तो बीजेपी की सरकार में ही तो नहीं हो रहा है जीएम पावर लागू। बीजेपी के खिलाफ में दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, किसी को नहीं करेंगे। अगर इस बार अगर जीएम पावर, आपकी सुनेगा कौन? रेल मंत्री सब लोग अपील कर रहे हैं कि जीएम पावर लागू करें, वो तो नहीं सुन रहे हैं, क्या करेंगे? को सुनना पड़ेगा, नहीं कैसे सुनेगा वो, कैसे सुनाएंगे हम लोग? फिर रेल में अप्रेंटिस ही नहीं करेंगे, अगर वो इस बार जीएम पावर लागू नहीं करेंगे तो फिर रेल में अप्रेंटिस करना ही बंद कर देंगे हम लोग। ये जो है साफ तौर पर देश के जो है युवा है, आने वाले समय के भविष्य है और ये ठान चुके हैं कि सरकार को सुनना ही पड़ेगा, उनको हम सुना करेंगे, अपनी मांगों को जो है उन तक पहुँचा करेंगे, अपने हक की जो मांग है वो उठाते रहेंगे जब तक वो नहीं सुनेंगे। और 24 में आने वाली सरकार को जो है, आने वाले चुनाव में जो है सरकार का पूरी तरह से खिलाफ जाएंगे और उनको वोट देने से इनकार करेंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कैमरामैन कोहित के साथ।